एक शहर में होशियार सिंह नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके चार बेटे थे, बलवान सिंह, बुद्धिमान सिंह, मान सिंह और स्वच्छ सिंह। होशियार सिंह अपने तीनों बेटों बुद्धिमान, बलवान और मान को लेकर निश्चिंत रहता था। वो सोचता था कि ये तीनों जीवन में कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन स्वच्छ सिंह को लेकर उसको चिंता रहती थी। वो दिन भर अपने आसपास सफाई रखता, खुद को साफ रखता। एक दिन होशियार सिंह ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटो, मैंने बहुत मेहनत से इतनी सारी दौलत कमाई है। अब समय आ गया है कि मैं अपना ये व्यापार तुम्हें सौंप दूं। इसलिए मैंने तुम चारों के लिए एक एक दुकान खोल दी है। जो उस दुकान को सबसे अच्छी तरह चलाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। फिर तो ये सारी संपत्ति मेरी होगी। मैं अपनी ताकत के बलबूते अपनी दुकान चला लूंगा। सारे लोग मेरा बहुत मान करते हैं। मेरी दुकान को चलने से कौन रोक सकता है? बस एक बात का ध्यान रखना, आज का ग्राहक बहुत समझदार है। उसके साथ कोई बेईमानी मत करना, कोई गलत सामान मत देना। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जी पिताजी। स्वच्छ, हम तो अपनी दुकान चला लेंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तू तो बस अपनी सफाई को लेकर बैठा रहे। अरे दुकान स्वच्छता से नहीं, ताकत से चलती है। नहीं, बुद्धि से चलती है, मान सम्मान से चलती है। तुम तीनों मेरी फिक्र ना करो, एक दिन देखना मेरी यही स्वच्छता तुम्हें हरा देगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। ये तीनों बलवान और बुद्धिमान की दुकान का खराब और गंदा सामान खाकर बीमार हुए हैं। और मेरा बेटा भी ऐसी ही दुकान का सामान खाकर। ये सब बीमार हुए हैं हमारे कारण। हम सब उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए था कि जिस दुकान में गंदगी होगी तो स्वाभाविक है कि उसका सामान भी खराब और गंदा होगा, और ऐसा सामान खरीदना हमारे लिए नुकसानदायक है। जिसकी दुकान स्वच्छ हो वहीं से सामान लेना चाहिए, जैसे स्वच्छ सिंह की दुकान है। एक जागरूक उपभोक्ता की तरह कसम खाओ कि अब से तुम जो भी सामान खरीदोगे स्वच्छ दुकान से ही खरीदोगे। हम कसम खाते हैं कि हम स्वच्छ दुकान से ही सामान खरीदेंगे। जागरूक उपभोक्ता ने अपना कर्तव्य निभाया। अब स्वच्छ सिंह की दुकान में लोग आने लगे हैं और तीनों की गंदगी के कारण दुकान खाली रहती है। स्वच्छ सिंह को उसकी स्वच्छता ने जिताया और तीनों अपनी गंदगी के कारण हार गए। आज से मेरा उत्तराधिकारी है स्वच्छ सिंह, जो ग्राहकों का पूरा ख्याल रखता है। स्वच्छ सिंह ने ऐसा करके ग्राहकों का दिल जीत लिया। जागो ग्राहक जागो।